हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो रेमेडी है ये मैं आप लोग के कमेंट में से पिक करके लाई हूँ। ये रेमेडी नहीं है, मुझे एक कमेंट आ रहा था बार बार कि दीजिए आप तो क्रीम के बारे में उतना कुछ तो बताती नहीं हो, लेकिन प्लीज़ आप इस पर एक वीडियो शेयर करो कि सीरम और जो मॉइस्चराइज़र होता है ये दोनों में क्या फ़र्क होता है और दोनों में हमें क्या लगाना ज़रूरी है। तो देखिए, मैं आपको ये मैंने ये रेमेडी वीडियो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैं चाहती हूँ कि आपकी स्किन अंदर से हील हो। ऐसा नहीं कि मैं चाहूँ तो मैं डेली एक फेस पैक आके आप लोगों को बता के चले जाऊँ, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं चाहती। आप लड़के हो, लड़कियाँ हो, जो भी मेरे वीडियो देखते हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको उस टाइप का रेमेडी बताऊँ जो आपकी स्किन को सच में बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे अंदर से और बाहर से। तो ये बात तो सही है कि आप कितना भी ज़्यादा फेस पैक वगैरह लगाओ, लेकिन कहीं ना कहीं सीरम मॉइस्चराइजर ये सब लगाना हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ फेस पैक वो काम नहीं करता है। एक टाइम के बाद जो आपको क्रीम और ये सब साथ साथ आपको यूज करना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ आज आपको शेयर करती हूँ दोनों में क्या फ़र्क है और हमें दोनों में क्या यूज करना चाहिए या दोनों हमें यूज करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दें। फ्रेंड्स देखिए, आप मॉइस्चराइजर जो होता है वो जो होता है एक क्रीम फॉर्म में होता है। उसका काम है स्किन को मॉइस्चराइजर करना, नमी देना। आप ड्राई नहीं होने देगी, जगह जगह से आपकी स्किन को फटने नहीं देगी। वो चीज़ें जो एक स्मूथनेस जिसको आप बोल सकते हैं स्किन को देने का काम मॉइस्चराइजर करता है। जैसे आप लोग मुझे बोलते हैं कि आपकी स्किन दी देखो ऐसे, तो यो स्मूथनेस जो होती है वो उसके लिए बहुत आपके स्किन के स्मूथनेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्किन में मॉइस्चराइजर लगाओ। स्किन को अंदर से ग्लो जो आती है वो कहीं ना कहीं मॉइस्चराइजर का उसमें बहुत बड़ा हाथ रहता है, इसलिए मॉइस्चराइजर को यूज करें। और गर्मियों में जब आप मॉइस्चराइजर यूज करें तो एक तो पहले उसका आप ऑयल का ये मात्रा वगैरह देख के खरीदें, उसके बाद जब भी आपको मॉइस्चराइजर यूज करना हो तो उससे 10 मिनट पहले आप मॉइस्चराइजर को फ्रिज में रख दें। ये मैं एक बहुत अच्छा ट्रिक आपको बता रही हूँ जो इस मॉइस्चराइजर का बहुत अच्छा स्किन को बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनाने देगा और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको इससे। आपको जब यूज करना हो आप उसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें, उसके बाद आप उसका यूज करें। उसके बाद रहा चलिए अब बात करते हैं सीरम का। सीरम का क्या यूज है? सीरम जो होती है वो लाइट वेट होती है। मॉइस्चराइजर क्रीम फॉर्म में होती है, सीरम लाइट वेट में होती है और वो आपकी स्किन के अंदर तक चल जाती है। तो वो आपकी स्किन को हील करती है, रिपेयर करती है, आप जिसको बोलते हैं जो आपकी स्किन को डैमेज हो गई है उसको ठीक करती है। अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको सीरम लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत अच्छा है, इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, कोई पिगमेंटेशन वगैरह नहीं है, ना झुरियाँ ना झाइयाँ कुछ भी नहीं है, तो आपको सीरम लगाना उतना ही जल्दी नहीं जितना कि मॉइस्चराइजर। यानी कि मतलब मॉइस्चराइजर है वो आपको हर एज में लगाना ज़रूरी है। हाँ, अगर आपके स्किन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सीरम भी लगा सकते हैं, सीरम भी आपके स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। आई होप कि आप समझ गए होंगे मॉइस्चराइजर का क्या काम है और सीरम का क्या काम है। आप जब भी मूड हो मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीरम आप एक मिनट के लिए स्कीप कर भी सकते हैं, लेकिन मॉइस्चराइजर आपको ज़रूर यूज करना चाहिए। आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फर्स्ट टाइम आ रहे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे ज़रूर कर लें।